आप सभी का स्वागत है आपके अपने रोजगार समाचार के चैनल सीजी जॉब्स न्यूज़ पर। दोस्तों, जो है छत्तीसगढ़ में भी शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, जिसके संबंध में आप सभी जो है यूट्यूब पर अक्सर वीडियोस ढूंढते रहते हैं, जिसमें जो है वीडियोस आप सभी सर्च करते हैं। तो इन सभी का फ़ायदा उठाते हुए जो है बहुत सारे यूट्यूब के जो है फेक जो है झूठे झूठे विज्ञापन और झूठे झूठे फर्जी जो है जानकारियाँ जो है बहुत खूब वायरल हो रही हैं फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप में, कि वैकेंसी जो है आ गई है, भर्ती जो है चालू हो गया है, ऑनलाइन आवेदन करें, या फिर और बहुत सारी जानकारियां जो है वायरल हो रही हैं। तो आप सभी को बता देना चाहूँगा कि अभी जो है शिक्षकों की जो भर्ती होने वाली है उसकी कोई वैकेंसी अभी नहीं आई है, ना ही इसका कोई जो है अपडेट नहीं मिला है, और ना ही कोई ऑनलाइन आवेदन इसका जो है चालू हुआ है। साथ ही साथ बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल है कि सर, इसका जो वैकेंसी कब आएगा, कब से चालू होगा? तो ये भी कहना भी मुश्किल है, क्योंकि शिक्षा मंत्री स्वयं बोल रहे हैं कि अभी जो है कुछ भी बता पाना मुश्किल है, ऐसे करके उनका जो है आंसर है। और ये बता देना चाहेंगे हम जो कि इसका जो है वैकेंसी तो आएगी, मगर अभी तुरंत आएगी या फिर अगले सत्र में आएगी, ये भी कह पाना मुश्किल है। बाकी जो है मुख्यमंत्री महोदय का कहना है कि नए सत्र से पहले जो है नया पदों पर जो है भर्ती की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी जाएगी। तो आप सभी ने उस वीडियो को भी देखा होगा जो उन्होंने जो है बजट के दौरान जो है कहा था कि आने वाले आगामी सत्र में जो है हम शिक्षकों के जो है 14,000 पदों पर जो है लगभग 14-15 हज़ार 15 हज़ार लगभग पदों पर जो है 14 से 15 हज़ार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ाएंगे, ऐसे करके उन्होंने स्वयं कहा है। आपने वीडियो भी देखा होगा। और वैकेंसी जो है अभी आई नहीं है, वर्तमान में तुरंत में भी वैकेंसी जो है जारी नहीं हो पाई है। वैकेंसी कभी भी जारी हो सकती है, लेकिन उनका कहना है कि नए सत्र में ले जाएगा, तो नए सत्र में हो सकता है। और ये बहुत सारे सवाल जो है साथियों का ये भी है कि सर, चुनाव से पहले होगा, आचार संहिता लग जाएगी तो क्या होगा, तो शासन की मंशा अब क्या है, ये फिर वही जान सकते हैं। मगर जो है वैकेंसी मुझे नहीं लगता है कि चुनाव से पहले आ सकता है, क्योंकि इतना लेट लतीफ हो चुका है, लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद जो है आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लग जाएगी फिर निर्वाचन का कार्य जो है तेज़ी से चलना शुरू हो जाएगा। अभी अभी से जो है प्रशिक्षण का दौर चालू हो गया है निर्वाचन के लिए, तो निर्वाचन जो है बहुत जल्दी ही आ जाएगा, और इसके जो है आचार संहिता भी बहुत जल्दी लग जाएंगी। और मान के चलिए कि अगर वैकेंसी आ भी जाती है आचार संहिता के पहले, तो भी भर्ती की प्रक्रिया जो है संभव नहीं है, उसमें जो है भर्ती का वैकेंसी जो है लटकने की संभावना है। तो ज़्यादा अच्छा ही होगा कि अगर वैकेंसी जो है चुनाव के तुरंत बाद निकले, तो लगभग जो है भर्ती की प्रक्रिया जो है पूरी होने की संभावना रहेगी। और चुनाव के पहले अगर निकलता है वैकेंसियाँ, तो फिर जो है ये अटक जाएंगी, या फिर बहुत जगह जो है पेंडिंग में चला जाएगा काम। तो इससे अच्छा यही है कि या तो चुनाव कंप्लीट हो जाए, उसके बाद तुरंत वैकेंसी जारी करें, और लगभग शासन का मूड भी यही लगता है कि आगामी अगले सत्र में करेगा, जून जुलाई में, तो तब तक चुनाव भी उसका जो है ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो थी मोटी मोटी बातें। और जो है हमने अपने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट अपलोड किया था, जो आप सभी जो है इस वीडियो में स्क्रीन पर, आप जो है अपने मोबाइल कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये जो है हमको जो है ऑथेंटिकेट जानकारी है भी और नहीं भी मान के चलिए, और इसको है ही मानना चाहिए, क्योंकि इनको जो है आप सभी ने अगर लोकसभा और विधानसभा का जो अभी सत्र चल रहा था, विधानसभा सत्र माफ़ कीजिएगा, विधानसभा सत्र अभी जो चल रहा था छत्तीसगढ़ का, तो उसमें जो है अगर आपने डीडी न्यूज़ देखा होगा, इसका जो वीडियो हमको कहीं भी नहीं मिला। अगर वीडियो मिलता तो हम आप सभी को तक जो है वीडियो के माध्यम से इसको पहुँचाते। तो एक पोस्ट के माध्यम से जो है हमारे जो आपका चैनल है सीजी जॉब्स न्यूज़, तो उसका जो है कम्युनिटी टैब में हमने इसका जो है पोस्ट भी किया था। बहुत सारे साथियों ने पोस्ट को देखा भी, लाइक भी किया था। जितने सारे साथियों ने लाइक किया उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जितने सारे साथियों ने कमेंट किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें जो है ये जो पोस्ट हमने किया था, तो उन बहुत सारे साथियों ने कहा भी कि सर, इसका जो है वीडियो भी अपलोड कर दीजिए, वीडियो भी बना दीजिए। बहुत सारे साथी जो वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, एक बार वीडियो चालू कर दिए तो फिर वीडियो चलता रहता है, बोलते रहते हैं तो सुनते रहते हैं, पढ़ने का झंझट उसमें नहीं रहता है। और पढ़ने में ऐसा रहता है कि इसको जो फटाफट हटा करके जो हम लोग ध्यान से भी नहीं पढ़ पाते। तो उनका कहना था कि वीडियो भी अपलोड कर दीजिए, तो आप सभी के लिए हम जो वीडियो भी इसको बना दे रहे हैं। तो इसमें जो है साथियों कुछ है नहीं, ये जो उसमें सवाल किया था, तो सवाल के जवाब में जो है शिक्षा मंत्री ने क्या जवाब दिया था, उसी के बारे में जो इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे। तो छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में इस समय जो है 14,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं, जिसमें से जो है सबसे अधिक 1500 से अधिक पद रायगढ़ जिले में है। अब ये जो है सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि लेकिन सही होने की संभावना इसमें ज़्यादा है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि रायगढ़ जिले में जो है सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर उन्होंने बताया है कि 1500 से अधिक जो पद यहाँ पर रायगढ़ जिले में खाली हैं, जबकि दंतेवाड़ा जिले में जब खाली पदों की संख्या जो है सबसे कम है, 32 पद हैं, जबकि जो नक्सल क्षेत्र है वहाँ पर पदों की संख्या जो ज़्यादा खाली होना चाहिए। अब आगे देखते हैं विधानसभा में जो है मौजूदा सत्र में जो भी सत्र चल रहा था,
तो वहाँ पर जो है जेसीसी की जो है जनता जोगी कांग्रेस जेसीसीजे के जो विधायक हैं डॉक्टर रेणु जोगी के जो एक सवाल था, सवाल के जवाब में ये जानकारी जो है हमको जो है प्रेम साय सिंह टेकाम जो है हमारे छत्तीसगढ़ के जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने, उन्होंने ये आंसर जो है दिया था रेणु जोगी जी के जो हैं उनके सवाल पर। तो डॉक्टर रेणु जोगी जी ने जो है सवाल किया था कि प्रदेश में जो है कितने संचालित सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं और इनमें से कितने पद जो है रिक्त हैं, और उन्होंने जिलेवार उनका जो है विवरण मांगा था। तो शिक्षा मंत्री ने क्या जवाब दिया था उसके संबंध में पोस्ट हमने अपलोड किया था, पोस्ट अभी भी कम्युनिटी टैब में है, अगर चाहें तो आप वीडियो ना देखना चाहें तो उसे भी सीधा सीधा जा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ पूछा था कि जो है रिक्त पदों पर भर्ती तक जो है कब तक की जाएगी। तो इस सवाल में लिखित जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री ने क्या जवाब दिया, उन्होंने बताया कि रिक्त पदों पर जो है भर्ती की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री स्वयं कह रहे हैं कि रिक्त पदों पर जो है भर्ती की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है, मतलब ये जो है या तो चुनाव के बाद ही हो सकता है या फिर उसके पहले तो होना संभव नहीं लगता है, चुनाव के बाद ही होना संभव है। और उन्होंने प्रदेश में चल रहे सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के जिलेवार स्वीकृत और रिक्त पदों की भी जानकारी यहाँ पर दी है। अगर चुनाव के पहले वैकेंसी आती है तो लगभग जो है पूरी तो हो नहीं पाएगी, कोई भी तरीके से पेंडिंग हो जाएगा, अटक जाएगा, चुनाव के बाद ही होगा। तो शासन चाहे तो जो वैकेंसी को जो है जल्दी से जल्दी निकालने के चक्कर में निकाल भी सकती है, और वैकेंसी जो है पूरी तो तभी होगी जब जो है चुनाव खत्म होगा, और बीच में जो है इसका पेंडिंग जरूर कुछ ना कुछ जो है भाग इसमें पेंडिंग पड़ेगा। तो आगे और देख लेते हैं। तो उन्होंने प्रदेश में चल रहे सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के जो है जिलेवार स्वीकृत व रिक्त पदों की जानकारी दी, जिसके मुताबिक जो है प्रदेश में शिक्षकों के यहाँ पर देख सकते हैं 56,659 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 14,661 पद रिक्त हैं। अब उनके मुताबिक जो है मात्र 56,659 पद ही स्वीकृत हैं छत्तीसगढ़ में, जिनमें से जो है 14,661 पद रिक्त हैं। तो शिक्षकों में जो है यहाँ पर पदों में सबसे अधिक शिक्षकों में यहाँ पर खाली पदों में से जो है यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक दिख रहा है, शिक्षकों के जो है खाली पदों में से सबसे अधिक 1,576 पद रायगढ़ जिले में खाली हैं, जबकि यहाँ पर जो है 3,949 पद स्वीकृत हैं, जब यहाँ पर जो है खाली पद यहाँ पर 1,576 पद यहाँ पर खाली हैं। इसी तरह बिलासपुर में 1,200 पद देख लीजिए, बिलासपुर के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि बिलासपुर के लिए यहाँ पर कितने कितने पद यहाँ पर खाली हैं, देख लीजिएगा। बिलासपुर ज़िले के लिए यहाँ पर देखते हैं कि बिलासपुर के लिए यहाँ पर जो है 1,200 पद, राजनांदगांव में यहाँ पर जो है 1,003 पद, बलरामपुर में 1,039 पद, महासमुंद ज़िले में 311 पद, बलौदाबाजार में 944 पद, गरियाबंद में 616 पद, रायपुर में 467 पद, धमतरी में 303 पद, कबीरधाम में 526 पद, बेमेतरा में 598 पद, दुर्ग में 224 पद, बालोद में 291 पद, मुंगेली में 443 पद, कोरबा में यहाँ पर जो है 415 पद, शक्ति में यहाँ पर 307 पद, जांजगीर चांपा में यहाँ पर जो है 396 पद, कोरिया में 571 पद, सूरजपुर में 972 पद, जसपुर में 211, सरगुजा में 263 पद, कांकेर में 894 पद, नारायणपुर में 217 पद, कोंडागांव में 175 पद, जगदलपुर में 764 पद, दंतेवाड़ा में 32 पद, बीजापुर में 170 पद, सुकमा में 209 पद यहाँ पर जो है रिक्त बताए गए हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि कौन कौन से ज़िले के लिए जो है कितने कितने पद यहाँ पर रिक्त बताए गए हैं शिक्षा मंत्री के द्वारा, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भर्ती की सीमा जो है अभी कन्फर्म नहीं कही जा सकती, भर्ती जो है बाद में भी हो सकती है या फिर चुनाव के पहले भी हो सकती है। तो उम्मीद करूंगा आप सभी को ये जो वीडियो जो है पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो फिर बिल्कुल ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, पसंद ना आया हो तो फिर डिसलाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले रोजगार समाचार के साथ में, तब तक दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।